गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी पीरियड. विच पीरियड इज दिस? दिस इज योर हिंदी पीरियड. आज हम क्या करेंगे हिंदी में? हिंदी में आज एक हम नया पार्ट पढ़ेंगे. अगली क्लास में हमने पिछली क्लास में हमने क्या किया? पिछली क्लास में हमने पार्ट 5 पूरा कॉपी में कंप्लीट कर लिया. तो आज हम क्या करेंगे? आज हम नया पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है, कौन सा पार्ट पढ़ेंगे आज हम? आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6, लेसन नंबर 6. क्या नाम है आपका लेसन का? आपके लेसन का नाम है मूर्ख जुलाहा. क्या नाम है आपके लेसन का? आपके लेसन का नाम है मूर्ख जुलाहा. इसके लिए आप क्या करेंगे? आप अपनी बुक खोलेंगे. बुक में आपको पेज नंबर कौन सा खोलना है? 30. पेज नंबर 30 में आपको क्या दिया है? पार्ट 6, मूर्ख जुलाहा. ठीक है, आप अपनी बुक खोलिए. बुक में कौन सा पेज खोलेंगे? बुक में आप पेज खोलेंगे 30, पेज नंबर 30, लेसन नंबर 6, मूर्ख जुलाहा. ठीक है, चलिए. मूर्ख जुलाहा मीन्स कहानी किसकी है? एक जुलाहे की कहानी है. जुलाहा कौन होता है? जो कपड़े बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? जुलाहा. तो ये कहानी एक मूर्ख जुलाहा की, किस तरह से जुलाहा जो था उसने अपनी मूर्खता से काम किया, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो आप सबको मेरे पीछे पीछे बोलना है. चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 6, मूर्ख जुलाहा. किसी जुलाहे के खेत में हर रात देवराज इंद्र का हाथी एरावत आता था. क्या दिया है? ये एक जुलाहा था और हर रात क्या होता था? रोज रात होती थी और रात में उसके खेत में कौन आता था? एरावत. एरावत कौन था? जो देवराज इंद्र हैं, जो भगवानों के देव हैं, देवराज इंद्र, जो उनका हाथी था एरावत, वो हर रात जुलाहे के खेत में आया करता था. फिर वह आकाश से उतरता और रात भर उसके खेत में चरता. सुबह अपने खेत की हालत देखकर जुलाहे के कलेजे में सांप लौट जाते. क्या होता? अब क्योंकि हर रात में क्या होता, जो इरावत था, मतलब जो इंद्र का जो हाथी था इरावत, वो हर रात जुलाहे के खेत में आता और पूरा रात भर खेत को क्या करता? चरता. रात भर पूरे खेत में चरता फसल को और फिर चला जाता. और जैसे सुबह जो जुलाहा था वो आता और अपने खेत की हालत देखता कि पूरी फसल तो क्या है, किसी जानवर ने खा ली है. ये देख के क्या होता? उसको बहुत दुख होता. कलेजे में सांप लौट जाने का मतलब क्या होता है? परेशान हो जाना. वो बहुत परेशान होता कि मैं इतनी मेहनत करके फसल लगाता हूँ और रोज रात में पता नहीं कौन आता है और मेरी पूरी फसल खा जाता है. वो ये सोच के बहुत ज्यादा परेशान था. फिर उसने अपने सगे संबंधियों से पूछा कि कौन उसके खेत को रात में खराब कर जाता है, मगर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की. अब क्या हुआ? जो उसके सगे संबंधी थे, जो उसके फ्रेंड्स थे, जो उसके दोस्त थे, जो गांव वालों थे, उनने उस सबसे पूछा कि क्या किसी ने देखा है कि रोज रात में मेरे खेत को कौन खराब करके चला जाता है. उसने सबसे पूछने की कोशिश करी, क्या किसी ने देखा है कि रात में कौन मेरे खेतों में आता है और जो मेरी फसलों को खा के चला जाता है. सबसे पूछा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी, क्योंकि किसी ने कभी उसके खेत में किसी को आते नहीं देखा था. फिर जब जुलाहे को उसकी समस्या का हल किसी ने नहीं सुझाया, तो एक रात वह अपने खेत में जाकर लेट गया और फसल खराब करने वाले का इंतजार करने लगा. अब क्या हुआ? जब गांव वालों ने उसकी मदद नहीं करी, तो उसने क्या सोचा कि अब आज रात में क्या करूंगा, आज रात में अपने फसल के पास अपने खेत में जाऊंगा और पूरी रात वही खेत में इंतजार करूंगा और देखूंगा कि कौन आकर मेरी फसलों को खराब करता है. ठीक है, तो उस तरह से वो खेत में खड़े होकर क्या करने लगा? इंतजार करने लगा कि मैं देखता हूँ कि कौन आता है जो मेरी फसलों को खराब कर देता है. फिर वह क्या देखता है कि एक हाथी आसमान से उड़ता हुआ आया और फसल चरने लगा. क्या देखा उसने? उसने देखा कि आसमान से उड़ता हुआ एक हाथी आया और क्या हुआ, उसके खेत में आया वो हाथी उड़ता हुआ और पूरी फसल को चरने लगा. अब तो जुलाहे से नहीं रहा गया, उसने भाग कर हाथी की पूंछ पकड़ ली. जैसे उसने ये देखा कि एक हाथी आया है आसमान से और पूरी उसकी फसल खराब कर रहा है, उसे बिल्कुल देखा नहीं गया, उसको बहुत जोर से गुस्सा आया और वो दौड़ता हुआ गया और उसने हाथी की पूंछ पकड़ ली. फिर दिन निकलने ही वाला था, हाथी आकाश की ओर उड़ने लगा, तो जुलाहा भी उसके साथ उड़कर इंद्र के स्वर्लोक में पहुंच गया. अब क्या हुआ? क्योंकि जो ये हाथी था, ये सिर्फ रात में ही चरता था, दिन में वो बिल्कुल भी खेत में नहीं रुकता था. अब जैसे ही जुलाहे ने उसकी पूंछ पकड़ी, दिन निकलने वाला था, तो सुबह होने वाली थी, तो वो हाथी क्या हुआ?
फिर उड़ता हुआ कहाँ चला गया, आसमान की ओर चला गया। अब क्योंकि जुलाहे ने पूंछ पकड़ी थी हाथी की, तो वो भी उड़ता हुआ कहाँ चला गया, आसमान में चला गया। और दोनों कहाँ पहुंच गए, इंद्र के स्वर्ग लोक में पहुंच गए। फिर क्या हुआ, स्वर्गलोक तो बहुत सुंदर था। अब स्वर्गलोक बहुत सुंदर था, वहां पे अप्सराएं क्या कर रही थी, नाच गा रही थी। देवताओं की रसोई में खाने के लिए बहुत बढ़िया व्यंजन बन, अब क्योंकि वो देवता थे, भगवान थे, तो उनकी रसोई में क्या हुए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बने हुए थे, बहुत ही स्वाद भरे खाने बने थे, तरह तरह के खाने और व्यंजन बने हुए थे। जुलाहे ने भरपेट भोजन किया तथा स्वर्ग की सुंदरता को देख, और अगली रात जब इरावत धरती पर वापस आया तो वह भी उसकी पूंछ पकड़कर वापस लौट आया। अब क्या हुआ, क्योंकि जो जुलाहा था वो पूंछ पकड़ के स्वर्गलोक तो पहुंच गया। अब जैसे ही वो स्वर्गलोक पहुंचा, उसने देखा कि स्वर्गलोक तो बहुत सुंदर है, वहां पे अप्सराएं नाच गा रही थी, तो स्वर्गलोक की रसोई थी, मतलब जहां खाना बनता था वहां बहुत ही अच्छा खाना बन रहा था, और पूरी स्वर्गलोक की भव्यता देखकर जुलाहे को बहुत खुशी हुई। वो पूरी रात वहां स्वर्गलोक में रहा, भरपेट उसने खाना खाया, बहुत मजे किए। और फिर जब अगली रात जो हाथी है वो दोबारा से उसके खेत में फसल खाने के लिए आया, तो उसने हाथी की पूंछ पकड़ी और दोबारा से वो जमीन पर आ गया। फिर क्या हुआ, धरती पर वापस आते ही जुलाहे ने घर वालों और मित्रों को अपनी रोमांचक यात्रा के विषय में बताया और कहा, इस बेकार जगह पर रहने से कोई फायदा नहीं, चलो सब स्वर्गलोक चलेंगे। सब उसके साथ चलने को तैयार। अब जैसे जुलाहा वापस आया स्वर्गलोक से, उसने अपने सारे मित्रों को और घर वालों को पूरी कहानी बताई कि रात में मैं फसल के खेत में गया तो मैंने देखा कि वहां पे तो इंद्र का हाथी आता है, तो मैं इंद्र की हाथी की पूंछ पकड़ के स्वर्गलोक गया और मैंने स्वर्गलोक में बहुत मजे किए, भरपेट खाना खाया, अप्सराओं का नाच गाना देखा। जब उसने ये पूरी कहानी सबको सुनाई और उसने बोला कि हम तो बेकार में यहाँ धरती पे रह रहे हैं, यहाँ पे हमें तो कोई सुख नहीं है, हम सब क्या करते हैं स्वर्गलोक चलते हैं, ऐसा उसने सबको बोला, तो सारे लोग खुश हो गए और सबने क्या बोला कि हाँ ठीक है, अब आज रात में हम सब भी तुम्हारे साथ स्वर्गलोक चलेंगे। फिर पृथ्वी की फसल का भोजन करके जब एरावत वापस जाने लगा तो जुलाहे ने उसकी पूंछ पकड़ ली और उसकी पत्नी ने अपने पति के पांव पकड़ लिए। इसी तरह बाकी जुलाहे भी एक दूसरे का पांव पकड़कर लटक गए। अब क्या हुआ, जैसे इरावत रात में आया उसके खेत में फसल खाने के लिए, और जब वो फसल खा के वापस से स्वर्गलोक जाने लगा तो जुलाहे ने क्या किया, उसकी पूंछ पकड़ ली। और फिर जितने भी लोग उसके सगे संबंधी थे, उसकी जो पत्नी थी उसने उसके पैर पकड़े, उसके पुत्र ने उसकी पत्नी के पैर पकड़े, तो इस तरह सबने एक दूसरे के हाथ पैर पकड़ लिए, ठीक है। और फिर क्या हुआ, सब एक दूसरे के हाथ पांव पकड़े क्या हुए, हवा में लटक गए। इरावत इस बात से, अब इरावत को तो ये चीज पता ही नहीं थी कि सबने मेरी पूंछ पकड़ी हुई है। फिर और वह और भी ऊंचा उड़ता चला जा रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, इरावत जो था ऊपर इस तरह से उड़ता हुआ आसमान की तरफ चला गया। फिर तभी जुलाहे ने सोचा, मैं भी कैसा मूर्ख हूं, मैं तो अपना करघा लाना ही भूल गया। क्या बोला उसने कि मैं तो अपना करघा लाना ही भूल गया, मैं वहां अपना समय कैसे काटूंगा। यह सोचकर वह गुस्से से हाथ मलने लगा और हाथी की पूंछ उससे छूट गई, सब धरती पर आकर गिरे और मर गए। अब क्या हुआ, जैसे हाथी की सब पूंछ पकड़े हुए थे और सब हाथी के साथ ऊपर उड़ते हुए चले गए, अब उड़ता हुआ हाथी आसमान की तरफ जा ही रहा था, तभी जुलाहे के दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा, अरे यार मैं तो अपना करघा लाना ही भूल गया। करघा मतलब जिससे वो क्या करते हैं, कपड़े को बुनते हैं। तो उसने बोला क्या, मैं करघा तो लाना ही भूल गया, अब मैं स्वर्गलोक में करूंगा क्या, मैं तो वहां बैठे बैठे बोर हो जाऊंगा, मैं अपना समय वहां कैसे काटूंगा। ये सोचकर तो गुस्सा आने लगा और उसने अपने हाथ पकड़ के अपने हाथों को मलने लगा। और जैसे उसने अपने हाथों को छोड़ा मलने के लिए, उसने हाथी की पूंछ छोड़ी और वो धड़ाम से आके कहाँ गिर गया, जमीन पे गिर गया। और क्योंकि सारे लोगों ने ही जुलाहे को पकड़ा हुआ था, सारे लोग जुलाहे के साथ जमीन पे आके गिर गए और सबकी क्या हो गई, मौत हो गई। ठीक है, क्या लिखा, क्या पढ़ा हमने इसे, कि एक मूर्खता के कारण जुलाहा और उसके गांव के सारे लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कि जुलाहा क्या सोचने लगा कि मैं स्वर्गलोक में अकेले क्या करूंगा बैठकर, इसलिए उसने जैसे ही अपना हाथ छोड़ा सारे लोग उसके साथ जमीन पे आकर गिर गए। ठीक है, तो किसकी कहानी है ये, आज हमने कहानी पढ़ी एक मूर्ख जुलाहे की। जुलाहे ने कैसी मूर्खता करी जिसकी वजह से उसकी और उसके परिवार की मृत्यु हो गई। ठीक है, क्या पढ़ा हमने इसमें, कि देवराज इंद्र का हाथी इरावत हर रोज जुलाहे के खेत में आता था क्या खाने,
फसल खाने। अब जुलाहे को जब रोज सुबह जुलाहा जब खेत में आता वो देखता कि उसकी पूरी फसल खराब हो गई है, वो बहुत परेशान हो जाता। अब उसने अपने मित्रों से सगे संबंधियों से पूछा, क्या किसी ने देखा है कि मेरी फसल कौन खराब करता है? तो सबने उसकी कोई मदद नहीं करी। तो जुलाहे ने सोचा कि अब आज रात मैं अपने खेत में खुद जाऊंगा और पूरी रात देखकर वहां इंतजार करूंगा कि मेरे खेत की फसल कौन खराब करने आता है। फिर वो रात में अपने खेत में गया और उसने क्या देखा कि रात में आसमान से उड़ता हुआ एक हाथी आता है जो उसकी पूरी फसल खाकर चला जाता है। अब जैसे ही हाथी ने उसकी फसल खाई और वो दोबारा से उड़ने लगा तो जो ये जुलाहा था उसको बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से गया, उसने हाथी की पूंछ पकड़ ली। जो हाथी को था उसको तो ये पता ही नहीं था कि इसने मेरी पूंछ पकड़ी, और वो उड़ता हुआ कहाँ चला गया? आसमान में चला गया। उड़ते हुए वो आसमान में कहाँ पहुंचा? स्वर्गलोक में पहुंचा, क्योंकि वो देवराज इंद्र का हाथी था। इसे देवराज इंद्र कहाँ रहते हैं? स्वर्गलोक में रहते हैं, इसलिए हाथी कहाँ। तो उड़ता हुआ जुलाहा कहाँ पहुंच गया? हाथी के साथ स्वर्गलोक में पहुंच गया। जैसे ही वो स्वर्गलोक में पहुंचा उसने स्वर्गलोक को देखा कि स्वर्गलोक तो बहुत सुंदर है, वहां इतनी सारी अप्सराएं हैं, रसोई में बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बने हैं। तो उसने पूरी रात वहां पे रुका, उसने भरपेट भोजन किया और फिर सुबह जब दूसरे दिन हाथी जमीन पर आ रहा था वापस से खाना खाने के लिए, तो वो उस हाथी के साथ नीचे वापस आ गया। जैसे वो धरती पे वापस आया उसने अपने घर वालों को पूरी कहानी सुनाई कि वो कैसे स्वर्गलोक में पहुंचा और स्वर्गलोक कितना अच्छा है। तो ये सब चीजें उसने अपने घर वालों को बताई। उसने बोला कि धरती पे रहना तो बेकार है, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम सब कहाँ चलते हैं? स्वर्ग चलते हैं। तो उसके सारे मित्र और उसके परिवार वाले तैयार हो गए कि आज रात में हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। अब फिर रात में क्या हुआ, जो रावत था वो पृथ्वी में फसल खाने आया। तो जैसे उसने पूरी फसल खा ली और वो वापस जाने लगा आसमान की तरफ, तो साथ जुलाहा और उसका पूरे परिवार आए। उन्होंने क्या किया, जुलाहे ने हाथी की पूंछ पकड़ ली और एक एक करके सबने एक दूसरे को पकड़ लिया। और जैसे ही हाथी जो था वो आसमान की तरफ उड़ने लगा, वो और ऊपर उड़ने लगा, उतने में जुलाहे को याद आया कि वो तो क्या कर लाना भूल गया, उसने अपना करघा लाना भूल गया है। अब वो करघा लाना भूल गया तो मैं वहां स्वर्गलोक में क्या करूंगा, मेरा तो समय ही नहीं कटेगा। ये सोच के उसके गुस्सा आने लगा। गुस्से में उसने क्या किया, हाथी की पूंछ छोड़ दी। और जैसे उसने हाथी की पूंछ छोड़ी, इस तरह से वो सब क्या हुए, जमीन पे आकर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने पाठ 6 मूर्ख जुलाहा पढ़ा है। आपका होमवर्क क्या है कि आपको ये पूरी कहानी दोबारा से घर में पढ़नी है। अगली क्लास में हम इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ कॉपी में करेंगे।